गाना बजाओ। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स माई अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह का स्टेटस बनाना सीखने वाले हैं। गाइज इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है। गाइज इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है एलाइट मोशन। और गाइज इसमें एक वीडियो क्लिप भी ऐड है जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो गाइज मेरे आपके डिस्क्रिप्शन में आपको सॉन्ग बिट मार प्रोजेक्ट और एक फेक करके लिंक मिल जाएगी। आपको सिंपली इस पर टैप करना है, वो आपको डायरेक्टली एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर देगा। और गाइज अगर आपको ये सारे फोटोज़ HD क्वालिटी में चाहिए और प्रीव्यू वाला स्टेटस भी आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ईजी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज आपको सिंपली क्या करना है कि अपने लाइट मोशन में सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट वैसे के इफेक्ट को ऐड कर देना है। चलिए गाइज फटाफट से यहाँ से वीडियो करते हैं स्टार्ट। इन गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, गाइज जो भी भाई अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा है या फिर अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो गाइज आपको अपने एलाइट मोशन में बीट मार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइज इसमें आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाले बीट पे आना है। देन गाइज यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है बताया कि यहाँ पे प्लस वाला आइकन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन मीडिया में चले जाना है और अपने फाइल को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जिस फाइल में फ़ोटो होगा गाइज उस फाइल को आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है गाइज फोटो पर सिंपली टैप करना है तो आपको कुछ फोटो इस तरह से आ जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की साइड आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गाइज आपको उस पर सिंपली टैप करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है। फिर आपको क्या करना है इसके नेक्स्ट बीट पे इसके एक्स्ट्रा पार्ट को एडिट कर देना है। बस इसी तरह से वन बाय वन करके फोटोज़ को आपको ऐड करते जाना है। तो चलिए गाइज फटाफट से मैं वो फोटो को ऐड करता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इस फोटो को भी उसी तरह से फिल कंपोजिशन एरिया करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को एडिट कर दिया। बस इसी तरह चलिए सोचिए लास्ट तक ऐड करते हैं। और गाइज एक वीडियो क्लिप भी इसमें ऐड है, उस वीडियो क्लिप को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से उसे ईजिली लेके ऐड कर सकते हो। चलिए गाइज फटाफट से सारे फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो फ्रेंड्स मैंने मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे फोटोज़ को यहाँ पे वन बाई कर मतलब ऐड कर दिया है। गाइज यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद क्या करना है कि जहाँ पे गाइज हमारा वीडियो क्लिप था आपको वहाँ पे आ जाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं ऐड किया है। गाइज आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप को ऐड करना है तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना वाला है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना और गाइज आपको जहाँ भी वीडियो क्लिप होगा उस वीडियो क्लिप को आपको निकाल के यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, ठीक है। गाइज आपका वीडियो क्लिप ऑलरेडी फुल स्क्रीन में होगा और आपका लास्ट तक मतलब यहाँ तक होगा। इस वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से हो जाना है मतलब इधर आ जाना है। और गाइज अपना सेक इफेक्ट नंबर 4 को मतलब देखिएगा जहाँ पे भी हमारा सेक इफेक्ट नंबर 4 हो, गाइज सेक इफेक्ट नंबर 4 में जितने सारे मतलब फोटोज हैं गाइज आपको उस फोटो पर सिंपली टैप करना है। देन यहाँ से आपको प्लस वाला इस पर क्लिक करके इसे डुप्लीकेट पे कर मतलब डुप्लीकेट कर देना है। तो यहाँ पे गाइज इसी तरह से सारे फोटोज़ को हम चलिए डुप्लीकेट कर देते हैं जो कि हमारा 4th नंबर पे है। तो गाइज इस पर क्लिक करके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से इसे मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो गाइज हमारा 4th नंबर का जो इफेक्ट है यहाँ पे डुप्लीकेट होकर हम कर चुके हैं और यही फोटो तक हमारा लास्ट तक था। बस यहाँ से करने के बाद सिंपली आपको जाना है बैक और अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है। और सेक इफेक्ट फाइल को ओपन करने के बाद गाइज हमारा जो फर्स्ट इफेक्ट है आपको सिंपली फोटो पर टैप करना है। देन इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर देना है। बस कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से अपना बीट मार्क प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद क्या करना है गाइज कि आपको सिंपली हो जाना है यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे, देन फोटो पर क्लिक करना है और इफेक्ट में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। वैसे हमारा जो फर्स्ट नंबर का लेयर है और उसके बीच में जितने फोटोस आ रहे हैं उस पर हमें फर्स्ट इफेक्ट को पेस्ट करना है। चलिए गाइज फटाफट से इफेक्ट को पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज फर्स्ट इफेक्ट को हमने ऐड कर दिया है। देन ऐड करने के बाद सिंपली आपको हो जाना है यहाँ से बैक
और अपने सी इफेक्ट फाइल में आना है और हमारा जो सेकंड इफेक्ट है आपको सिंपली इस पर टैप करना है, इफेक्ट में जाके इस पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। इस कॉपी करने के बाद फिर से आपको अपना बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और गाइस हमारे जो सेकंड इफेक्ट जहाँ पे भी ऐड है वहाँ पर आपको तो आ जाना है सबसे पहले तो, और आने के बाद क्या करना है स्क्रॉल करके नीचे आना है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड इफेक्ट ऐड है तो आपको फोटो पर टैप करके इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है वैज इस तरह से आपको फिर नेक्स्ट वाले फोटो पर इसी को ऐड करना है वैज इस तरह। सो फ्रेंड्स आपको फोर्थ नंबर वाला इफेक्ट बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। वैज फोर्थ नंबर का इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली आपको पहले तो हो जाना है यहाँ से बैक और अपना सेक इफेक्ट फाइल को ओपन कीजिएगा। देन आप यहाँ पे आपको दो लेयर्स देखने को मिलेंगे फोर्थ इफेक्ट में। सबसे पहले आपको नीचे वाले लेयर पे से टैप करना है और इफेक्ट में चले जाना है और इसको कॉपी कर देना है नीचे वाले इफेक्ट को। ठीक है वही नीचे वाला जो लेयर है हम लोग अपना मतलब बीट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करेंगे देन हमारे यहाँ पे फोर्थ नंबर का इफेक्ट वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है आपको यहाँ पे आने के बाद क्या करना है सबसे पहले तो इफेक्ट नंबर देख लेना है कि फोर्थ नंबर का हमारा इफेक्ट इस फोटो से मतलब स्टार्टिंग है। और गाइस हमने यहाँ पे भी दो लेयर्स बनाए थे गाइस आपको जितने भी नीचे वाले लेयर्स हैं उनसे भी फिर ये वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा कि जो अभी हम लोगों ने कॉपी किया था। ठीक है तो गाइस आपको सिंपली इस पर टैप करना है देन इफेक्ट में चले जाना है उस पर पेस्ट कर देना है। गाइस यहाँ पे जब देख सकते हैं नीचे वाले लेयर का आपको सिंपली से जब पेस्ट कर देना है तो गाइस मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर के नीचे वाले लेयर पे इफेक्ट को पेस्ट कर दिया हूँ। देन आपको ऊपर वाले को ऐड करने के लिए सिंपली अपना सेकंड फाइल को ओपन करना है। देन हमारा जो ऊपर वाला लेयर है आपको सिंपली इस पर होल्ड प्रेस करना है कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना है। वही यहाँ पे हमें इसे कॉपी लेयर पर क्लिक करने के बाद फिर से अपना सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट ओपन करना है और वही हमारे जहाँ पर फोर्थ नंबर वाले इफेक्ट पहले वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है वही यहाँ से हमारा फोर्थ नंबर का इफेक्ट ऐड है। देन आपको क्या करना है कि ऊपर वाले लेयर पर आप सिंपली टैप करना है देन यहाँ से फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल के आगे आपको एक एरो का निशान दिखाने देखने को मिलेगा आपको सिंपली इस पर टैप करना है और ऊपर के तीन जो ग्रीन ऑप्शन है उन सभी को ऑफ कर देना है और यहाँ से इसे पेस्ट कर देना है। बस इसी तरह से नेक्स्ट फोटो में भी आपको आना है देन ऊपर वाला लेयर पर क्लिक करना है और उसी तरह से आपको पेस्ट स्टाइल पर क्लिक कर देना है। वैसे हमारा ये भी आप देख सकते हैं ये भी ऐड हो चुका है। बस इसी तरह से आपको ऐड करके सिंपली इसे क्रिएट कर लेना है। इस तरह से आपको मतलब जितने भी फोटोज हैं उसके नीचे आपको देख लेना है कौन सा हमारा इफेक्ट कहाँ पे ऐड होगा गाइस उस पर आपको सिंपली उस इफेक्ट को ऐड कर देना है। और जब आप सारे इफेक्ट्स को ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को कर देना है एक्सप्लोर, आपका वीडियो 2 से 3 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देगा और ऐसे एडिटिंग सीख मिलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे एडिटिंग लेके आता रहता हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।